हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो इससे पहले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और इसके पीछे के जो वैज्ञानिकों के द्वारा मेहनत की गई थी, वह उन्होंने कैसे कैसे अपने प्रयोग में दिखाई और उन्होंने क्या क्या निष्कर्ष दिया। वह वीडियो मैंने डिटेल से आप लोगों को उसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के खोज के बारे में मैंने उस वीडियो में डिटेल से आप लोगों को उस वीडियो में डेफिनेशन किया है। सो अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनके बारे में हमने इलेक्ट्रॉन की खोज जब हुई थी उस वाले वीडियो में हमने बता रखा था, लेकिन उसमें हमने थोड़े कम ही मात्रा में बताया था जितना कि आप लोगों के समझ में आ जाए। आज हम इनके पूरे जो परमाणु, जो इनका परमाणु सिद्धांत है जो पूरा डाल्टन का, वह आज हम पढ़ने वाले हैं। सो देर न करते हुए चलिए हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं और आप लोगों को डिटेल से समझाते हैं। जरा सा ये बात है, 1808 ईस्वी में, इस समय आप लोगों को पता ही होगा कि पूरे मतलब विश्व में जो है वो विश्व युद्ध चल रहे थे, एक देश दूसरे देश से लड़ रहे थे। तो इसी समय जो हमारे जॉन डाल्टन भैया थे, उन्होंने अपना परमाणु प्रस्तावित किया। जॉन डाल्टन भैया ब्रिटेन में पढ़ाते थे और तभी इन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत है वह प्रस्तावित किया था। इन्होंने अपने की जो पहली हेडिंग थी उसमें इन्होंने बताया था कि जो द्रव्य होते हैं यानी पदार्थ, वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। मतलब यह नियम इन्होंने ऐसे ही हवा में नहीं निकाल दिया था, उन्होंने इस पर प्रयोग किया था। और उन्होंने यह भी बताया था कि जब हम किसी भी पदार्थ को जब हम काटते जाएंगे तो अंत में हमें एक ऐसा उस पदार्थ का कण मिलेगा जो कि अविभाज्य हो गया, और उन्होंने उसी का क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। और इसी के नाम पर इन्हें डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जो इनका जो परमाणु सिद्धांत था वह प्रस्तावित किया गया था। तो हमने क्या बताया, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की जो पहली हेडिंग थी वह क्या थी कि द्रव्य जो हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं और इन कणों को परमाणु कहा जाता है। तो क्या है, इन कणों को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। और जो दूसरी इनकी पॉइंट था वह था कि जो जब एक या एक से जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। मतलब जब एक तत्व और दूसरा तत्व जब आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। ये इनकी दूसरी बिंदु थी। और जब इनकी जो तीसरी बिंदु थी वह थी कि किसी समान तत्व के जो परमाणु होते हैं उनका द्रव्यमान और गुणधर्म समान होता है। मतलब मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के पास चार परमाणु हैं, तो उनका जो द्रव्यमान होगा, उन चारों परमाणु का द्रव्यमान होता होगा वह समान होगा। मान लीजिए एक परमाणु का द्रव्यमान अगर 1 ग्राम है तो चारों परमाणु का द्रव्यमान 4 ग्राम होगा। मतलब 1-1 ग्राम चारों परमाणु का द्रव्यमान होता होगा और उनके जो गुणधर्म होंगे वह समान होंगे। मतलब ये जो परमाणु के गुणधर्म है वह समान होंगे। तो इनकी जो तीसरी पॉइंट थी वह थी कि किसी भी समान तत्व के जो परमाणु होते हैं उनका द्रव्यमान और उनका गुणधर्म समान होता है। तो इनका जो चौथा बिंदु था वह यह था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो पदार्थ को नष्ट किया जाता है और ना ही पदार्थ को उत्पन्न किया जाता है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी द्रव्य को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ये जो द्रव्य होते हैं वह एक दूसरे में पूर्ण व्यवस्थित हो सकते हैं। मतलब जैसे H2 और O2 ये मिलकर H2O जो है ये बना लेते हैं। मतलब एक दूसरे में क्या हो गए, पूर्ण व्यवस्थित हो गए। तो इनका जो चौथा पॉइंट था वह था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व का, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्य को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही द्रव्य को बनाया जा सकता है। तो इनकी जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था उसमें यही चार बिंदु थे। तो उम्मीद है आप लोगों को हमने जो बताया है वह समझ में आया होगा। अगर अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा वीडियो आप लोग दोबारा देख लीजिए, आपको सबको डिटेल से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को जब हम समाप्त करेंगे उसके बाद आप लोगों को PDF में लिखा हुआ मिलेगा, आप लोग उसे पढ़िएगा। और जो भी आप लोगों को जो पॉइंट था वह क्लियर नहीं होगा, आप लोग उसमें पढ़िएगा तो आप लोगों को जो पॉइंट है वह क्लियर हो जाएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो जो कि हमने बनाया था इलेक्ट्रॉन के खोज के ऊपर वह नहीं देखा है तो आप लोग
प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।